बिच गई है यूपी की महाबिसात। राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर? उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी किस ओर? देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम यूपी का वोट युद्ध। आज दोबारा हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये जितनी पार्टियां हैं सपा बसपा, ये सारी पार्टियां विचारहीन पार्टी है। ये सारे गुंडे बदमाश माफियों की पार्टी है भारतीय। जैसे कि इलाहाबाद में एक अभी कार्रवाई हुई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, इसमें जो है छात्रों को निकाल के मारा गया, जिस तरह पीटा गया। तो एक मैसेज ये जा रहा है कि इससे समाज का दृष्टिकोण क्या है इस पार्टी के लिए। पश्चिमी यूपी में जैन चौधरी जी के जाट लैंड का उनके साथ जाना, तो हिंदू का दिया हुआ खा रहे हैं देश में। आज किन्नर को राज्य मंत्री बनाया, जिसमें जो है छात्रों को निकाल के मारा गया, जिस तरह पीटा गया। तो एक मैसेज ये जा रहा है कि इससे जो है बेरोजगारी वाली। जैसा कि आज हम नोएडा में उपस्थित हैं और हमारे साथ सोनम किन्नर जी हैं जो कि इस समय राज्य मंत्री हैं और किन्नर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो उपाध्यक्ष हैं, और हम इनसे जो है कुछ चर्चा करेंगे। तो मैडम, साथ में हमारे गुड्डन किन्नर जी भी, साथ में गुड्डन किन्नर जी भी हैं, ये लखनऊ से यहाँ पर आए हुए हैं और नोएडा में बीजेपी कार्यालय अध्यक्ष हैं। तो मैम जी, आज हम लोग 15 दिवस से प्रथम चरण के चुनाव में, लिस्ट दे दीजिए जरा जल्दी से, आए हुए हैं। पार्टी के हाईकमान नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील बंसल जी के निर्देश पे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के आदेश हुआ जो हम लोग प्रथम चरण में पार्टी में जाएं। और हम लोग यहाँ पे लगभग जितने भी किन्नर हैं सुबह से उनके घरों में हैं और 7 दिन से हम लोग ये शामली, मेरठ और आपके गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, गौतम बुद्ध, बागबर, संबल, बुलंदशहर, इन जिलों पे हम लोगों को जाना है और ये प्रथम चरण चुनाव का कार्यक्रम बना हुआ है। तो हम लोग 3-4 दिन से आज पंकज भैया जी जो हैं नोएडा से लड़ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। नोएडा, क्या आपके घर में कोई बीमार है? अगर डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी हो तो घर बैठे ही लाइफबॉय और प्रैक्टो के साथ इंडिया के कुछ टॉप डॉक्टर्स की सलाह लें। बस इस नंबर पर मिस कॉल दें, SMS लिंक पर क्लिक करें और मुफ्त में ही इस जनहित में जारी सेवा का लाभ उठाएं। नोएडा से तो उनके सीट पे हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग किन्नर समाज के यहाँ गए और लोग माँ बहनों के यहाँ जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। पंकज भैया जी कम से कम लाखों वोटों से जीत रहे हैं। यहाँ की जनता में, माँ बहनों में जितनी हमने ऊर्जा देखे हैं, हमें ऐसा लग रहा है बहुत अधिक वोटों से पंकज भैया यहाँ से विधायक होने जा रहे हैं। ये सीट हमारा बहुत भारी मतों से जनता यहाँ का समर्थन दे रही। जिस प्रकार से जनता ने प्यार दिए, घरों में चाय पानी पिलाए हम लोगों को, बड़ी बड़ी कोठियाँ में हम लोग गए, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, चाय पानी को पूछे आइए चाय पानी पीजिए। तो इससे लग रहा है पंकज भैया का कार्यशैली और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जनता का विश्वास, दोबारा हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने जा रहे 2022 में। ये जितनी पार्टियां हैं सपा बसपा, ये सारी पार्टियां विचारहीन पार्टी है। ये सारे गुंडे बदमाश माफियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पूर्ण बहुमत से 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सोनम जी, एक प्रश्न का जवाब दें आप कि आपके समाज का दृष्टिकोण क्या है इस पार्टी के लिए? देखिए, अभी तक तो पूरे प्रदेश में किन्नर समाज बीजेपी के साथ है। हिंदू का खाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जो जजवानी में जो पैसा मिलता है किन्नरों को, तो हिंदू ही देते हैं, तो हिंदू का दिया हुआ खा रहे हैं देश में। यदि तो इसलिए बीजेपी पसंद है और बीजेपी का पसंद रहना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए यदि कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी, एक ही विकल्प भारतीय जनता पार्टी। सभी किसान, नौजवान,
गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलित के लिए, युवाओं के लिए एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की 10 मार्च को हम लोग बहुत भव्य होली खेलेंगे और वृंदावन वाली होली खेलेंगे, केसरिया होली खेलेंगे, ये निश्चित है। और हमारी गुड्डन किन्नर जी आई हैं, दो शब्द ये भी बोलेंगी। बताइए जी, हमारा तो कहना यही है कि किन पंकज भैया जिनके लिए हम लोग प्रचार के लिए आए हैं और पार्टी प्रचार के लिए आए हैं, और हम लोग यही चाहते हैं किन्नर समाज के लोग जितने भी हिंदुस्तान में किन्नर हैं सभी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस पार्टी ने कभी इतनी पार्टियां रही आज शुरू से अब तक के जो किन्नरों के बारे में विचार नहीं किया। आज किन्नर को राज्य मंत्री। यार बंटी, मम्मी ना कितनी बुद्धू है, मुझसे कहती है टीवी मत देखो, एक चॉकलेट दूंगी, होमवर्क कर लो एक चॉकलेट दूंगी, और फिर खुद ही दूध के साथ इतना सारा चौकस दे देती है। Kellogg's Chocos, अब इतना सारा चॉकलेटी मजा, दूध का सॉलिड दोस्त। बीजेपी पार्टी ने और किन्नरों को आगे बढ़ने के लिए महामंडलेश्वर बनवाया, उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलाहाबाद में जगह दी, प्रयागराज में जगह दी, उनका खालसा लगाने के लिए। तो हम लोगों को जगह जगह प्लेटफॉर्म दिया है किन्नरों को, इसलिए हमारी बहुत प्रिय पार्टी है बीजेपी। और हम लोग ये चाहते हैं 2022 में हमारे योगी बाबा फिर से आएं और मेरी सरकार फिर से बने, और हम यही किन्नर समाज की दुआ है। और हम घर घर दुआ ये भी बांटते फिर रहे हैं कि बीजेपी ही आए और बीजेपी को ही वोट दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किन्नर समाज जिसको और हर एक पार्टियों ने एक अछूता सा व्यवहार किया, और सोनम जी और इनका कहना ये है कि यही एक पार्टी है जिन्होंने इनको समाज में एक स्थान दिया, मंत्री बनाया और बहुत से और सुख सुविधाओं से इनको किया, तो इनका पूरा सपोर्ट भाजपा के लिए है और इस उम्मीद के साथ जो है कि भाजपा ही पूरी सरकार आएगी। सोनम जी, एक प्रश्न है जो कि हम आगे जहां पर क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक बेसिक एक चीज़ें आई हैं जिसके बारे में आपसे पूछना चाहिए। जी बताइए। जैसे कि इलाहाबाद में एक अभी कार्रवाई हुई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, जिसमें जो है छात्रों को निकाल के मारा गया, जिस तरह पीटा गया, तो एक मैसेज ये जा रहा है कि इससे जो है बेरोजगारी वाली जो मुद्दा था, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं था बट उस तरीके से उभर के नहीं। खाना अधूरा तो पोषण भी अधूरा ना, इसीलिए जूनियर हॉलिक्स जो रोज के खाने के साथ पोषण पूरा करने में मदद करे, ताकि तोजो को मिले ए टू जेड पोषण। इस पुलिसवाई कार्रवाई से एक नेगेटिव मैसेज गया है, दूसरा कि पश्चिमी यूपी में जैन चौधरी जी के जाट लैंड का उनके साथ जाना एक समीकरण को बिगाड़ता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पुलिस ने कार्रवाई किए हैं वो सस्पेंड हो गए, और वो जान के मिली भगत था, षड्यंत्र था विपक्षी पार्टियों का, उनको कार्रवाई की गई। यदि युवा ने रोजगार मांगे तो उन पर इस तरीके की बर्बरता कार्रवाई नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक में मांग रखने का अधिकार है। आप इसकी निंदा करती हैं? बिल्कुल निंदा करती हैं, जो युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसको लेते हुए तुरंत सस्पेंड करने का। माननीय मंत्री जी, आप ये बताएं कि जैसे कि हमारे पास जो जानकारी है कि जो सस्पेंड हुए हैं वो नीचे लेवल के पुलिस अधिकारी हुए हैं, उच्च लेवल पे कोई पुलिस अधिकारी अभी इसको किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है? उच्च लेवल के अधिकारी ने तो कहे, आप मुझे घेर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं आपको घेर नहीं रहा हूँ। मीडिया, देखिए मीडिया एक तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है। के जो अधिकारी को आप कह रहे हैं उनका जांच में वो दोषी नहीं पाए गए, उन्होंने आदेश नहीं दिया था लाठी चार्ज होने के लिए, ये नीचे स्तर के जो हमारे अधिकारी तीनों ने किए हैं शरारत। तो जांच की बात है, जाट तो सब मारा है भाई, के कहे जाट दूसरे पार्टी के है, जाट तो मारी बीजेपी की है जाट,
जाने का मौका होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सोनम जी का एक बहुत ही अभूतपूर्व विश्वास, आत्मविश्वास, भाजपा दोबारा आएगी और साथ जाट और हम लोगों की रहेगी ठाट। 22 में फिर से बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। जठे रहे जाट, वही बीजेपी में ठाठी ठाट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोनम जी का पूरी तरीके से साथ है, तो पूरी सरकार भाजपा की बन रही है, ऐसा इनका आत्मविश्वास। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की महाबिसात, राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर? उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी किस ओर? देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम यूपी का वोट युद्ध।